चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में गिवन एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है सरफेस से, मान लिया सरफेस है, इस सरफेस से प्रोजेक्टाइल फायर किया यू वेलोसिटी से, ठीक है, और एंगल गिवन है थीटा, तो ये ऐसे मूव करेगा। इसके बाद हमें गिवन है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, यानी इस सरफेस पे टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है ई। और हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो सेकंड बार हिट हो रहा है तो वहाँ से और इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर करता है, स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये मान लेते हैं एस है तो ये फाइंड करना है ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से हमें क्या बता सकते हैं कि यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फायर कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्पीड हो गई, यू कोस थीटा, और ये स्पीड हो गई अपनी यू साइन थीटा। सेम देखो यहाँ पे हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी यू कोस थीटा, यहाँ पर भी यू कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहेगी, तो सेकंड कोलिजन में भी फर्स्ट कोलिजन में भी क्या होगा, ये वेलोसिटी ही रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, तो जिस वेलोसिटी से ये राइज हुआ उसी वेलोसिटी से फॉल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे वेलोसिटी वही होगी यू साइन थीटा नीचे की तरफ, यानी जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा होगी। वर्टिकल देखते हैं तो जो अप्रोचिंग वेलोसिटी के अलावा दूसरी वेलोसिटी कौन होती है, सेपरेशन वेलोसिटी, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, वो कुछ ये होगी, ठीक है। अप्रोचिंग वेलोसिटी अपने पास ये है, कितनी है, यू साइन थीटा, और सेपरेशन वेलोसिटी हमें देखना है, तो हम रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोचिंग, ओके, तो सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, ये वाली, तो ये मैं मान लेते हैं v है, v वेलोसिटी, ठीक है, इसको v मान लिया, तो अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या है, ये है अपने पास कितनी, u sin थीटा, तो v कितना आ गया, सेपरेशन की वेलोसिटी e u sin थीटा, यानी अपने पास जो फर्स्ट कोलिजन के पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है ई यू साइन थीटा, ओके, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा। तो यहाँ से अब अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से जाने के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम पीरियड कितना टाइम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम, ये स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट कोलिजन, तो टी वन लिख लेता हूँ, टी वन क्या होगा, टू यू वाई अपॉन जी, यही फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यानी टू यू साइन थीटा बाय जी, और टी टू क्या होगा, टी टू यहाँ से फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन तक, तो ये भी यही होगा, टू यू वाई अपॉन जी, यहाँ पे यू वाई देखो, यू वाई क्या होगा, टू ई यू साइन थीटा अपॉन जी, ओके। अब अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्स है सारा, ओके, तो हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये रहेगा, तो यहाँ पे एक एस वन आ जाएगा यू कोस थीटा टी वन, और एस टू आ जाएगा यू कोस थीटा टी टू, और टोटल एस क्या होगा, एस वन प्लस एस टू, तो इन दोनों को ऐड कर दो, यू कोस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, और टी वन प्लस टी टू आ जाएगा ब्रैकेट में, टी वन प्लस टी टू, और टी वन टी टू की वैल्यू क्या है, ऊपर से लिख लो, टी वन की वैल्यू है टू यू साइन थीटा बाय जी, और टी टू की वैल्यू है टू ई यू साइन थीटा बाय जी, यहाँ पे टू यू साइन थीटा कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, और अंदर आ जाएगा वन प्लस ई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या बोलते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और ये वन प्लस ई, ये क्या आ गया अपना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड कोलिजन, स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड कोलिजन का डिस्टेंस आ गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए। थैंक यू।